Assalamu alaikum everyone. We're finally back after a very long time. Today we'll be continuing chapter number 7, Man and His Environment. Previously, हम लोगों ने short questions को cover किया था, and in this video we'll be covering extensive response questions. Question number 1, describe biotic factors of an ecosystem. यानी जो हमारा system है, हमारा environment है, उसके अंदर जो जानदार चीजें मौजूद हैं, उसको हमें explain करना है. तो फर्स्ट हमारे पास आता है प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर वो तमाम ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं, चाहे वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू हो या फिर कीमोसिंथेसिस के थ्रू. टेक्निकली अपना खाना खुद ही तैयार करते हैं. एंड देन वी हैव कंज्यूमर. कंज्यूमर वो जानदार होते हैं जो अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते, जबकि वो प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट होते हैं. इनके बेसिकली 3 लेवल्स होते हैं. प्राइमरी लेवल जो प्रोड्यूसर्स को खा रहे होते हैं, सेकेंडरी लेवल जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खा रहे होते हैं, एंड देन टर्शियरी लेवल जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खा रहे होते हैं. उसके बाद हमारे पास आता है डिकम्पोजर्स. डिकम्पोजर्स के अंदर ज़्यादातर हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करते हैं जो कि डेड ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं. अब डेड ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्लांट्स, एनिमल, हर तरह के ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं. तो वो उनको क्या करते हैं, उनके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं, ताकि वो दोबारा से प्लांट्स इस्तेमाल कर सकें टू मेक देयर ओन फूड. क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द नाइट्रोजन साइकिल एज बायो जियोकेमिकल साइकिल. तो इसके अंदर आप लोगों को दोबारा से नाइट्रोजन साइकिल ड्रॉ करना होगा, जो आप लोगों ने शॉर्ट आंसर्स के क्वेश्चन नंबर 10 में ड्रॉ किया था. नाइट्रोजन साइकिल बेसिकली एक साइकिल है जिसमें हम लोगों के पास जो हवा के अंदर नाइट्रोजन मौजूद होता है गैसियस की शक्ल में, उसको हम कन्वर्ट करते हैं इस्तेमाल के लायक. उसके कुछ स्टेप्स होते हैं. सबसे पहला स्टेप होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन. इसके अंदर क्या होता है कि जो गैस की शक्ल में जो नाइट्रोजन मौजूद होता है हवा में, उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया जाता है. ये दो तरीके से कन्वर्जन होती है, या तो जब बरसात से पहले थंडर एंड लाइटनिंग होती है, उसकी वजह से, उस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन मौजूद होता है वो चेंज होता है नाइट्रेट्स में, या फिर जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो अक्सर प्लांट्स के रूट्स में पाए जाते हैं वो चेंज करके देते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में. सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि जो मुर्दे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके अंदर जो प्रोटीन्स मौजूद होता है उनको तोड़ के अमोनिया तैयार किया जाता है. फिर उस अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स में, और इस कन्वर्जन को जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको न्यूट्रिफाइंग बैक्टीरिया कहा जाता है, और इस प्रोसेस को न्यूट्रिफिकेशन कहा जाता है. एंड देन जो न्यूट्रिफिकेशन का जो स्टेप है वो उल्टा किया जाता है बाय डीन्यूट्रिफाइंग बैक्टीरिया. यानी कि जो नाइट्रेट्स और न्यूट्रेट्स सॉइल के अंदर जमा हो चुके होते हैं वो दोबारा से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट किया जाता है, ताकि ये साइकिल कंटिन्यू रहे. नाइट्रोजन गैस से हम लोगों ने स्टार्ट किया था और आखिर में भी नाइट्रोजन गैस ही बना है. तो उसमें ज़्यादातर जो रोल प्ले कर रहे होते हैं वो बैक्टीरिया प्ले कर रहे होते हैं. उसमें 3 टाइप ऑफ बैक्टीरियाज हैं. एक है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, एक है न्यूट्रिफाइंग बैक्टीरिया, एंड थर्ड है डीन्यूट्रिफाइंग बैक्टीरिया. इन तीनों का बहुत बड़ा रोल होता है इन नाइट्रोजन साइकिल. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज पोल्यूशन. डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैजर्डेड इफेक्ट कॉज्ड बाय एयर पोल्यूशन. यानी पोल्यूशन क्या है और उसमें जो एक टाइप है एयर पोल्यूशन के, उसके हम पे क्या खतरनाक असरात होते हैं. पोल्यूशन बेसिकली ऐसे चेंजेस होते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, चाहे वो फिजिकली तौर पे हो, केमिकली तौर पे हो, या बायोलॉजिकल तौर पे हो. ऐसे कोई भी चेंजेस जो नेचुरल के अंदर हो और उसकी हमें ज़रूरत ना हो या वो हमें नुकसान पहुँचा रहे हो, ऐसे चेंजेस को हम लोग पोल्यूशन कहते हैं. इसके 3 टाइप्स होते हैं. एयर पोल्यूशन यानी हवा की आलूदगी, वाटर पोल्यूशन पानी में आलूदगी, लैंड पोल्यूशन यानी ज़मीन में आलूदगी. अब सवाल हमसे सिर्फ इतना पूछ रहा है कि एयर पोल्यूशन का हम पे क्या असर होता है, उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं. तो एयर पोल्यूशन के अंदर क्या होता है बेसिकली कि हवा के अंदर जब तब्दीलियाँ आती हैं बिकॉज ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक स्मोक जो गाड़ियों से निकल रहे होते हैं या फैक्ट्री से निकल रहे होते हैं, जब वो मिल जाते हैं हमारे हवा के साथ, तो वो हवा के कंपोजिशन को चेंज कर लेता है. तो उसके ऐसे कुछ असर होते हैं हम पे. सबसे पहला होता है स्मोक फॉर्मेशन. रिसेंटली आपने नोटिस किया होगा कि पंजाब के अंदर काफ़ी दफ़ा जो है इनकी जो छुट्टियाँ थी इंक्रीज़ की गई थी, क्योंकि इनके एयर पोल्यूशन की जो लेवल है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो गया था. स्मोक बेसिकली क्या होता है, उसके अंदर धुआं और धुंध की मिलावट होती है.
तो इनका जो मिक्सचर बनता है उसको स्मोक कहते हैं, यानी स्मोक एंड फॉग इसकी जो। अब उससे क्या होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीजेस या अस्थमा या एलर्जीज जो है इंसानों को होती हैं। सेकेंड इफेक्ट है एसिड रेन, यानी कि जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं जब बरसात होती है वो पानी के साथ मिल जाती है तो उसकी वजह से एसिड रेन बनता है। उस एसिड रेन से क्या होता है, रैशेस हो जाते हैं, स्किन डिजीजेस हो जाते हैं और जो बिल्डिंग्स और स्टैचूज हैं उनकी शक्ल तब्दील आती है। नंबर थर्ड इफेक्ट इज ग्लोबल वार्मिंग, एयर पोल्यूशन है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ऊपर से वो एक ब्लैंकेट तैयार करते हैं जिसकी वजह से जो हीट होती है वो एस्केप नहीं कर पाती, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है एंड जनरली तौर पर ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है। नंबर फोर, ओजोन डिप्लीशन, जब हम लोग एयर पोल्यूटेंट्स का इस्तेमाल करते हैं लाइक CFCs, उससे क्या होता है कि जो हमारा ओजोन लेयर है जिसका काम है हमें सेफ रखना फ्रॉम सन्स रेडिएशन, उसके अंदर छेद बनना शुरू आते हैं। जब छेद बनना शुरू आते हैं तो यानी कि जो रेस हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं वो अर्थ के अंदर इंटर कर पाते हैं। यहाँ पे आप लोगों का सेक्शन 3 एक्सटेंसिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन कम्प्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़।